काम तो चाहते यही है क्या, या तो कोई सुनने वाला मिल जाए या सुनने वाला मिल जाए। काफिर चलो का एक शर्त पे। क्या हम केवल हरिद्वार तक ही जाएंगे, हरिद्वार से नीचे नहीं जाएंगे? का मेरा दिमाग खराब करोगे आप लोगों का है। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में पड़े हुए हैं और आप हरिद्वार में बैठोगे, तो वो ठीक कैसे हो जाए? अच्छा, तुम सूर्य को पानी यहां देते हो, फिर वहां कैसे पहुंच जाता है? बोलो ना। हाँ, बिजली पावर हाउस से बनती है ना, ये तुम्हारे घर में कैसे पहुंच जाती है? नहीं, का ठीक इसी तरह यहाँ पर बैठ करके जिस अवस्था में बैठ करके भगवान को ध्याओगे या गाओगे, ठाकुर वही दौड़ करके तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना कर्म करो। देखा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, जब पता चला तेरा तो फिर मेरा पता नहीं। इसलिए संत बैठे गंगा किनारे आ, ये दुनिया की पहली कथा थी मेरे भाई, जिसमें प्रवक्ता चार और सुनने वाला एक, बोलने वाले कितने? बोलो ना। ओ, तुम तो जानते हो। बोलने वाले कितने थे और सुनने वाला? ओहो, आप थे वहां, तो कैसे जानते? और वो भी नारद जैसा जिसको श्राप मिला हुआ है कि एक जगह बैठ नहीं सकता, जो श्रापित है किससे? दक्ष से। जिसको श्राप मिला के एक जगह बैठ नहीं सकता, फिर कैसे बैठ गया वो? क्योंकि जहां भजन होता है वहां श्राप काम नहीं करते, जाना। जब यहां बैठ करके भजन करोगे तो यहां श्राप काम नहीं करेगा। देखिए, देव ऋषि नारद के ऊपर श्राप काम नहीं कर रहा, लेकिन शर्त एक है कि जब बैठो तो ढंग से बैठो। यहां लिखा है बैठते ही सनत कुमारों ने कह दिया क्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा श्रीमद् भागवती कथा। क्यों?
क्योंकि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयते। यस्याः श्रवण मात्रेण तुम केवल बैठ के सुन लो, क्या हो जाएगा? भगवान तुम्हारे अंदर से निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे। यस्याः श्रवण मात्रेण, मैं नहीं कह रहा रे, सनत कुमार कह रहे, भागवत में लिखा है यहां महात्म्य के तीसरे अध्याय में। क्या? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। और एक बार ढंग से यदि बैठ गए, ऐसा आनंद तुम्हें ना गंगा में आएगा, ना गया में आएगा, ना काशी में आएगा, ना पुष्कर में आ गया, जो भागवत में आ सकता है तुम्हें, जो यहां मिल सकता तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हर चीज यहां से निकली। यहां लिखा है न गंगा न गया काशी न पुष्कर न प्रयाग गम सुखशास्त्र कथा यश फलेन समताम नहि। बड़ा प्यारा लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर ने उद्धव के सामने ये प्रत्यक्ष कर दिया था कि जब ठाकुर स्वधाम गमन करने लगे तो उद्धव ने कहा हमारा क्या होगा? कहा मैं बता देता हूं क्या होगा। क्या? ठाकुर ने अपना भौतिक शरीर विलीन किया और वहां ज्योति रूप में निकले, और निकल करके वो सारी ज्योति भागवत में ही समा गई। लो मैं इसमें रहूंगा। और उद्धव जी लेकर के भागवत बद्रीनारायण की ओर निकल गए। स्वकीयम यद् भवत्ते यतच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्ठो यम श्रीमद् भागवत अर्वणम्। इसलिए सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्य निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनत्त निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। क्यों? हरिरपि निजलोकं सर्वततो विहाय प्रवशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनत्त। भक्ति सूत्रो नद्ध। वो गरीब आदमी सबसे बड़ा धनवान है। कौन सा? जिसके पास राम नाम रूपी धन है। क्यों? क्योंकि ये धन जो तुमने इकट्ठा किया है उसका नाश होने वाला है। और राम नाम रूपी धन किसके पास? जिसके पास है उसका नाश नहीं है। वो तो दिनों दिन बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। तुमने जो धन इकट्ठा किया वो खर्चने पर घटेगा। क्या? और यहां जो धन इकट्ठा किया है वो खर्चने पर बढ़ता है। का भागवत का इतना बखान करने लग रहे आप? क्या इस कथा को सुनकर किसी का धन बढ़ा है या किसी की जिंदगी सुधरी है? कैसे कह सकते हैं आप लोग? किस में लिखा है? क्या? के विशद्वंति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यः प्रकाशितं कोऽपि नवीन मार्गः। कौन सुधरा? के विशद्वंति वदन्तु मह्यं, मुझे बताइए कौन कौन सुधरा है। तो श्री सनत कुमार कहते हैं, सुन लीजिए कौन कौन सुधरा। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगः। जो लोग निरंतर पाप में रत रहते थे, यदि भटकते 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 वो भी यहां बैठ गए, उनकी जिंदगी बदल गई। मेरे भाई, किसने कहा है? तुम्हारी बाहरी दिल्ली में पूछ लीजिए, जहां जा भी कथा हुई। ऐसे लोग सुधरे जो हमेशा ही पाप में रत रहते थे, जैसा इसमें लिखा वैसा हुआ है। कितने सारे इनमें भी बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों में ज्यादा गया जो नहीं मानते थे, जो उल्टे चल रहे, जो पहले ओम जय जगदीश हर कर रहे थे, मैं उनमें नहीं गया, मैं उन लोगों में गया।
कितने तुम्हारे कमंदुरी नगर के हैं, कितने तुम्हारे नांग लोई के, कितने तुम्हारे मुंडका के हैं, हाँ कितने नजफगढ़ के, बाहरी दिल्ली में बहुत गया और सुधरे हैं जैसा इसमें लिखा है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला सकामिन सप्ताह यज्ञेन कुलौ पुनन्ति ते, जिनके घर की लड़ाई कभी बुझती ही नहीं थी वो भी भटकते 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 यहां आ गए तो घर में शांति आ गई। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला सकामिन, जिनकी इच्छाओं का पेट कभी भरता ही नहीं था वो भी भटकते भटकते यदि यहां आ गए वो संतोषी हो गए। क्या कह रहे, कोई कथा सुना सकते हो? कहने लगे हां सुना सकते हो, सुनाई। तुंग भद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्पर। क्या एक उत्तम नगर है तुंग भद्रा नदी के तट के ऊपर, वहां एक नगर बसा है उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते, बड़ी ध्यान से सुनिए, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली, बड़े धार्मिक हैं, बल्कि यहां तक करते हैं जितना कमाते हैं उसमें से आधा दान करते, लेकिन न जाने कौन सा पूर्व जन्म का कर्म है इतना करते हुए भी उनको बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ, और जब बेटा बेटी नहीं होता तो इंसान परेशान हो जाता। इंसान कैसे जी भी ले तो दुनिया जीने नहीं देती, वो टोंट कसती है, वो ताने मारती है, और इन्हीं तानों के डर से आत्मदेव मरने के लिए निकल पड़ा। एक वृक्ष के नीचे आत्महत्या करने ही वाला था, फांसी लगाने ही वाला था, इतने में एक संत आ गया, और जो ही संत ने देखा तो संत ने पूछ लिया, कदम रोदसी विप्रतम गाते जिंदा बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ये ब्राह्मण देव था, क्यों रो रहे, क्या बात, क्या हुआ, हाँ किस लिए मरना चाहते हो? कि मेरे घर में बेटा बेटी नहीं। त्रिकालदर्शी संत थे, माथा देख करके बता दिया, क्या कि बेटा एक जन्म की बात छोड़, सप्त जन्मा बधितव पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, तेरी किस्मत में तो सात जन्म भी बेटा नहीं है, इसलिए विवेकम तू समासाध्य तज संसार वाषण, तुम तो अपनी माला उठा लो और भजन करो। पंडित जी बड़ा चतुर था, पंडित जी ने सोचा भैया ये सात जन्म की कैसे जानता है, इसका मतलब कोई छोटा मोटा महात्मा नहीं है, इसलिए पंडित जी लिपट गया पैरों के। संत ने पूछा, पंडित जी महाराज क्या हाल है, क्या बात हुआ, क्या कर रहे हो? कि या तो बेटा दे दो, करे नहीं तो कि तेरे सामने आत्महत्या करके मरूं, ले हा बैल मुझे मार। एक तो ये बता दिया कि तेरी किस्मत में बेटा है ही नहीं, और उल्टा गले पड़ गया, क्यों भैया, कहा जब तुम सात जन्म के बारे में जानते हो तो मुझे बेटा दे सकते हो, लो तो तुझे कैसे पता कि मेरे को सात जन्म भी बेटा नहीं, हाँ और यदि तुझे पता तो मुझे बेटा भी दे सकते। ध्यान रखिए ये तुम्हारे ऊपर कथा है, आत्मदेव किसी और का नाम नहीं है, तो आपकी हमारी आत्मा का नाम ही आत्मदेव है, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी, धुंधली देवी और कोई नहीं है, तो विषय विकारों में फंसी हुई तुम्हारी बुद्धि जो धुंधली हो गई है, इसी का नाम है देवी, देवी तुम्हारी का, यही है तुम्हारी पत्नी, लेकिन तुम्हें कोई बेटा बेटी नहीं है, हा? यदि संत के पास चले जाओ तो ज्ञान रूपी बेटा हो जाए, गणपति तुम्हारे घर में आ जाए, और जिसको ज्ञान रूपी बेटा हो जाएगा वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा मेरे भाई, है ना, लेकिन तुम संत की बात मानो तब ना, हाँ इसलिए परेशान हो, है ना। संत ने दिया फल, फल मीन्स ज्ञान,
लेकिन ज्ञान यहां बैठ करके सुन तो रहे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पकड़ करे तब ना। घर में ले गया धुंधली के पास, उसने वो फल खाया नहीं, वो तर्क करती है फिर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे लेकिन परंतु का विषय नहीं है ये, भाव का विषय है भैया। वो लेकिन परंतु तो तुम्हारे गणित में चलता होगा, और गणित में भी दो और दो चार ही होते हैं मेरे भाई, कोई शास्त्र उसको काट नहीं सकता। ठीक इस तरह भागवत में जो लिखा है, कोई दुनिया की ताकत उसको झुठला नहीं सकती मेरे भाई बहन, यही सच है। क्या कोई दुनिया की ताकत उसको झुठला नहीं सकती? जाना लेकिन हम माने तब ना। संत ने दिया फल, फल माने ज्ञान, लेकिन वो धुंधली ने स्वीकार नहीं किया, हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। यहां बैठकर तो गर्दनें हिलती हैं, लेकिन यहां से बाहर निकले तुम वैसे के वैसे हो, ढाक के तीन पत्ता, चिकना घड़ा हो चिकना घड़ा, है ना। जाना तुम्हारा घड़ा उल्टा का उल्टा ही रहता, कितने भी बरसों पानी की बूंद एक अंदर जानी नहीं है, है ना। उसने खाया नहीं मेरे भाई, वो तर्क करने लग गई, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, मैंने सुना है गर्भवती महिला की सुंदरता फीकी पड़ जाती है, है ना। और यदि कहीं गांव में डाकू घुस गए तो सारा गांव तो भाग जाएगा, मैं कैसे भागूंगी। ले देखा। और जब प्रसूति काल होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तब तो मौत का ही मुंह देखना पड़ता है। ले और बेटा होने के बाद मैं तो चारपाई पर लेटी रहूंगी, फिर वो आएगी कौन, ननंद, हाँ मैं तो पड़ी रहूंगी चारपाई पे, मेरा सारा माल खजाना ले जाएगी लपेट के। ले देखा कितने लंबे कल्पनाओं के पुल बनाता व्यक्ति, सामान 100 बरस का, यहां पल की खबर नहीं। ये सोची रही थी, इतने में उसकी सहेली भी आ गई जिसका नाम था अविद्या अर्थात माया। और जैसा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता भी वैसे लोगों से होती है, हाँ शराबी शराबी के पास ही बैठेगा क्योंकि उसको तो वही अच्छा लगता है ना। निंदा चुगली करने वाला निंदा चुगली करने के पास ही बैठेगा, क्यों, उसके गण से मिलेंगे, है ना। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले के पास ही बैठेगा, तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने वाले के पास ही बैठेगा, और यदि कोई भक्त होगा तो वो भक्त के पास ही बैठेगा मेरे भाई। उसकी सहेली भी ऐसी थी, उसने कहा देखना मेरे पति ने जाने कहां से अला बला उठा करके लिए, कह रहे इसको खा जाओ। कहा तू खाना नहीं चाहती, कह रहे ना। कहा फिर कि जरा कुछ करो ना। कहा सुनो मेरे यहां खाने वाले बहुत हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, एक आध को तू ले ले, 9-10 बेटा एक और आने वाला है, जरा मेरे पति को धन दे देना तू ले लेना। काफिर बन गई बात, काफिर इस फल का क्या करूं, ये तो पति ने देख लिया तो। कहा तुम्हारे घर में एक गाय बंधी है ना, इसके सामने डाल दे। इतने में क्या था, मन यदि चाहता है और यदि कोई और तो सहारा देने, कछु तो मियां बावरे कछु पी ले बाम, कुछ तो खुद ही नहीं चाहता था और दूसरे का ने और आकर के कह दिया हाँ ऐसा ही कर लो, उसने तो वही कर दिया, गाय के सामने डाल दिया। और ठीक 9 महीने बाद छुप करके सहेली बेटा दे गई रात को, और उसने हल्ला मचा दिया कि आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव ले। महाराज आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बेचारा नाच रहा है बुढ़ापे में भी, हाँ लोग कह रहे हैं बाबा जी कोई हड्डी टूट जाएगी, हाँ का तुझे क्या पता बेटे की खुशी क्या होती है, हाँ और वो भी बुढ़ापे में हो जाए तो तब तो कहना ही क्या, हाँ? और जाकर के पंडितों को ले करके नाम रखने लगा, मेरा नाम है आत्मदेव इसलिए मैं अपने बेटे का नाम रखता हूं परमात्मदेव। और जो ही ये बात कही चारपाई पर पड़ी पड़ी वो चले, अच्छा 9 महीने बोझा ढोया मैंने और नाम अपने नाम से। आत्मदेव ने सोचा भैया ये लड़ेगी, अब
आत्मदेव ने सोचा कभी रंग में भंग ना हो जाए, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा देवी तुम अपने नाम पर ही रख लो, नहीं तो आदमी खड़े हैं बहुत, कभी बेइज्जती ना कर दो, तेरा कोई भरोसा नहीं। हाँ, का क्या नाम रखोगी? कि मेरा नाम है धुंधुली। और बेटे का क्या रखेगी? कि बेटे का नाम रखूंगी धुंधुकारी। ले, आज ऐसा ही तो हो रहा है, एक भी नाम ढंग का नहीं होता। हाँ, एक घर में गया मैं और आप पुकारे ए बिल्ली, बता कोई नाम हुआ ये बताइए। अरे नाम कुछ ऐसा रखो जिसका कोई अर्थ हो, अर्थहीन नाम मत रखिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता गुण भी धीरे धीरे वैसे ही आते चले जाते, इसलिए नाम तो ढंग का रखो। हमारे शास्त्रों में थोड़े अच्छे अच्छे नाम, ये देखिए पगली ने कैसा नाम रखा है। हाँ बताइए, धुंधुकारी कोई नाम होता है? हाँ, क्या तुम्हारे घरों में किसी का है धुंधुकारी नाम? बोलो ना, रख रखा किसी का? देवताओं तुम्हें से किसी का नाम धुंधुकारी तो नहीं है? हाँ हाँ, ऐसा जरूर है, कोई बच्चा ऐसा हो जाए तो ये जरूर कहते हैं महाराज जी तो धुंधुकारी ही पैदा हो रखा है, है ना? और ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक पुत्र को पैदा किया जिसका शरीर है इंसान की तरह, कान है गऊ के, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और कियत काले ने तव जातो तरुणो तनया विभव, थोड़े से काल में दोनों बड़े होने लगे, लेकिन दोनों ने ही अलग अलग रास्ता अपना लिया, एक महान दुष्ट बन गया और एक महान संत बन गया। देखिए मेरे भाई, एक ही जगह रह रही है, एक सा ही रंग है, लेकिन वे कर्म का फल कैसे भोगना पड़ता, जरा ध्यान दीजिए। शास्त्र इसी बात की पुष्टि करता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम जैसा कर्म करते हो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है भाई। यदि गेहूं का बीज बोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? बोलो ना, अनार खा लेना। और यदि बाजरा बोगे तो हा? ना मक्का ले आना वहां से। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते कि हम बुरा करेंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा? बोलो ना, यदि हम पाप करेंगे तो हमें उसका दंड नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो? यदि तुम जैसा कर रहे हो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये लिख लो अपने घर में जाकर के, कभी सोचो ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ही है, आज भोग लो और चाहे 100 जन्मों के बाद भोग लो, भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, यहां तो कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा इव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणा इव विपद्यते, यहां तो पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जाना सुना, घर पहले बनाते हो कि नक्शा? बोलो ना, अरे घर पहले बनाते हो कि नक्शा? हो गूंगा पक्का? तो ये सररूपी घर इसे पहले नक्शा बनाए, कहां आंख लगनी है, कहां नाक लगना है, कहां कान लगने है। और यदि ये नाक यहां से उठा करके यहां रख दी जाए तो कैसे लगोगे? बोलो ना, जिसको नाक ना हो उसको देखना एक बार। ओहो, तुम भी कह देते हो कभी कभार, है ना, नकता कहीं का, है ना जान? बोलो तो, इस शरीर का नक्शा भी पहले ही बना है,
कहां पैदा होना है, कब पैदा होना है, क्या तुम्हारे पर बीतना है, इसलिए अपने कर्म को ठीक रखिए। यहां लिखा है, ओहो पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, कोई राजा कोई भिखारी, राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जाना लेकिन नहीं मानता इंसान, उसने करनी अपने मन की है, इसलिए भोगो भोग फिर भगवान को दोष क्यों दे, हाय राम हमने क्या कर्म किया था। और यदि किए कर्म का फल नहीं है तो एक बच्चा टाटा बिड़ला के घर में पैदा हो रहा है, उसी नक्षत्र में, उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में, एक फुटपाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको सोने के चम्मच में दूध पिलाया जा रहा है, लाखों दास दासियां बेटा लेकर के आ रहे हैं। बोलो ना, कोई सोना लेके आ रहा है, कोई चांदी लेके आ रहा है, जिसके जन्म की खुशी में हेलीकॉप्टर तक भेंट किए जा रहे हैं, बोलो ना। और एक को चिथड़े नसीब नहीं है, माँ का दूध नसीब नहीं है, वो फुटपाथ के डब्बे में पड़ा है, क्यों? पैदा होने वाले बच्चों ने अभी कर्म थोड़ी किया है, तो जब कर्म नहीं किया तो इतना भेदभाव क्यों? एक रोड पे पड़ा और एक करोड़ों में खेल रहा है, क्यों? बोलो ना, इतना भेदभाव क्यों? क्या ये कहोगे कि परमात्मा भेदभाव करता है? नहीं रे, एक साधारण पिता को ले लीजिए, एक बेटा लायक और एक नालायक है, फिर भी जमीन को आधी आधी कर देता है, और करते हुए यही कहता है भैया आगे तुम्हारी किस्मत। जब वो भेदभाव नहीं करता तो वो जगत पिता कैसे कर सकता है? क्या जाना? अरे ओ भाई फुहारे वाले, ये जब कीर्तन चले तब बैठ जाना, अब तो ठाकुर जी का फुहारा चलने दे, बैठ जाओ। हरि बोल। कालेन तौ जातु तरणो तनया बहु गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। एक महान दुष्ट बन गया और एक महान पंडित बन गया, एक महान संत बन गया। एक कुत्ते हाथ में रखता है, नंगी तलवार हाथ में रखता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ता कुआं में डाल देता है, अंधे को झाड़ में धकेल देता है, सारे उल्टे कर, और एक संतों के बीच में बैठ करके भगवान के भजन में लगा। एक दिन घूमता हुआ वो संत प्रवृत्ति का बेटा घर आया, और घर आकर के जो ही बैठना चाहा पिता रो पड़े, बेटा तेरे भाई ने घर को नरक बना दिया, हर रोज कोई नई बात दुनिया सुनाती है इसके बारे में, इसने जीना मुश्किल कर दिया है, इसलिए बेटा कुछ बताओ मैं क्या करूं। श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी ये केवल आपके घर की कहानी नहीं है, आज घर घर की कहानी है, क्यों? कदली सन्निभो लोको सारे यस्य विद्यते, केले के झाड़ का एक एक पत्ता उतारते चले जाइए, अंदर कुछ नहीं है, खाली का खाली है वो। प्याज के छिलके का एक एक पट्टा उतारते चले जाइए, अंदर कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक इसी तरह इस संसार के अंदर कितना भी घुसता चला जाइए, अंदर से वो खाली का खाली है, केवल परेशानी ही परेशानी और कुछ भी नहीं है उसमें।
इसलिए पिताजी भाग्यवान है वो इंसान जिसको बेटा बेटी लायक मिल जाए। दुनिया का सबसे भाग्यवान पिता है कलयुग में। अन्यथा आप लोगों को सुनने को नहीं मिलती, हमें सुनने को रोज मिलती है, क्योंकि हम जाते हैं दुनिया, हम तो झोंपड़ी वाले से लेकर महलों तक सबके यहां जाते हैं भाई। किसी को सुखी नहीं देखा,